क्रोधित नहीं होना, आज मैं आपको एक नवीन समाचार सुनाने आया हूँ। नवीन समाचार? कैसा नवीन समाचार? गुरुजी आप ही ने कहा था ना, अरे ओ सुदीक्षण भाग जा मेरे आश्रम से, और जब तक नहीं आना जब तक ठाकुर जी को नहीं दे आएगा। और गुरु जी आज तो मैं ठाकुर जी जगराइन जी और छोटे ठाकुर जी को अपने साथ लेके आया हूँ, आप मिलिए गुरु जी उनसे, चलिए मैं आपकी भेंट कराता हूँ। सुनते अगस्त तुरंत उठी ढाए, हर बिलो किलो चल जल छाए, मुनि पद कमल पर ऋषि पीत लिए ऋषि पीत आयुष्मान भव। हे प्रभु मेरे अयोभाग्य, जब आप मेरे आश्रम में पधारे। हे मुनिराज आपसे कुछ छुपा नहीं है, आप तो जानते हैं कि मैं वनों में किस कारण से आया हूँ। हे मुनिराज आप कृपया करके कोई ऐसा मार्गदर्शन दीजिए कि मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मार सकूं। हे रघुनाथ मैं अवश्य बताता हूँ, लेकिन मेरी आपसे एक विनती है। कहिए मुनिराज। आप जानकी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। हे मुनिराज ये तो आपकी मानता है जो आप मुझे इतना मान दे रहे हैं। हे रघुनाथ यहाँ से थोड़ी दूरी पर पंचवटी नामक स्थान है, उसी में दंडक वन है, आप जाइए और वहां निवास कीजिए। ठीक है मुनिराज अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। तथास्तु। प्रभु श्री राम ने अगस्त मुनि को अपनी अविरल भक्ति प्रदान की और आगे पंचवटी नामक स्थान पर जा पहुंचे। सभी पर अपनी दया दिखाते हुए उनके साथ रहने लगे और इसी भाव का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, राम है सुख कर राम है सुख कर सीता राम है सुख कर राम है सुख कर राम है सुख कर Thank you.
है देवी, हम विवाहित हैं और एक नारी व्रत रखते हैं, इसलिए तुम मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के पास जाओ। जरा ही रो ओ, जरा नहीं। तो ठीक है, मैं अपना विवाह भारत बनके
Oh!
अयोध्या प्रभु श्री राम ने देखा कि घर और दूषण श्रीमन खा की नाम काटने का बदला लेने के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने माता जानकी को अग्नि में प्रवेश के लिए कहा और भैया लक्ष्मण भी ये मर्म नहीं समझ सके। यही भगवान श्री राम की भक्ति रसना है, कृपा निधानता है, और इसीलिए संतों ने राम जी के लिए कहा है, मेरे राम है सुख तर, राम है सुख तर। राक्षसों की भयानक सेना इधर ही आ रही है, इसलिए तुम सीता को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। और हाँ लक्ष्मण, तुम सावधान रहना। Ooh.
subscribe to our channel. Keep supporting us. Yeah.
यदि अवतारी है वो कौन से ऐसा बड़ा होगा अपने पिछले जन्मों के बंधनों का हाथ पाऊंगा और यदि वो साधारण का वध करके उनकी स्त्री ले आऊंगा और यदि घर के रूप में नारायण है तो उनके हाथ मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा। मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। किंतु इस कार्य के लिए छल और बल का प्रयोग करना होगा। क्या किया जाए? मामा मारी, मामा मारी, उसी को ये सिद्धियां प्राप्त है कि वो जब चाहे जिसका चाहे रूप ले सकता है। मुझे इस कार्य में उसकी मदद लेनी होगी। मामा मारी, भूप सुत को भूप सुत को हरि गीत रंग को भूप सुत को कनक देह मणि रचित बनाई सीता परम रुचि ब्रज देखा अंग अंग सुमनोहर भेषा सीता परम रुचि ब्रज देखा सीता परम रुचि ब्रज देखा अंग अंग सुमनोहर भेषा सुनहु देव रघुवीर कृपाला एहि कवि करि अति सुन्दर छाला एहि कवि करि अति सुन्दर छाला सीता परम रुचि ब्रज देखा सीता परम रुचि ब्रज देखा सीता परम रुचि ब्रज देखा अंग अंग सुमनोहर देखा अंग अंग सुमनोहर देखा सुनहु देव रघुवीर कृपाला एहि ब्रज करि अति सुंदर छाला सत्य संग प्रभु बधि कर एहि आनहु चरण कहि दय देहि। किसी भी जीव को मारना पाप है। हे प्रभु,
ले आइए ना। सीते सीते सोने का अमृत, ये सोने का अमृत तो कभी होता ही नहीं, ये कोई माया जाल भी हो सकता है। यदि तुम चाहती हो तो मैं इस अमृत को अवश्य पवित्र कर लाऊंगा। लक्ष्मण प्रभु लक्ष्मण ने ही कहा समझाई, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई, सीता के ही कर रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। लक्ष्मण लक्ष्मण जी भैया, मैं उस सुंदर नृत्य को पकड़ने जा रहा हूँ, तुम सीता और कुटिया की रक्षा करना। भैया यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं उस नृत्य को पकड़ जाता हूँ। नहीं नहीं लक्ष्मण, मैं अवश्य जाऊंगा। ठीक है भैया। आज्ञा पालन करता हूँ।
कभी यदि कोई हार ना दे तो कह देना, तो कह दे मैं निर्दोष मुझे। अच्छा माता मैं जाता हूं, तुम सावधान होकर रहना, आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम इस रेखा के भीतर रहना, इस रेखा का उल्लंघन कर, इस रेखा का उल्लंघन कर, जो इस प्रकृति में आएगा लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। अब अपनी सीता माता को हे तरुवरो छोड़ता हूं तुम पर, अपनी रखवाली में रखना, हे वंचरो छोड़ता हूं तुम पर, पक्षियों तुम ही एक रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर सोपा, हे पंचवटी, हे प्रणकुटी, सीता माँ को तुम पर सोपा। Thank you.
अरे दोस्त, खड़ा रहे।
पति धर्म का पालन करने वाली स्त्री का कोई बड़े से बड़ा महान योद्धा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब सूरज भी उसके सामने जी चुकाता है, दानी के बटुए की क्षमता धरती झोली भी मंगेगी। सूरज के पास पहुंच जाओ, इच्छा की संदेश बताएगी सीता। पिंजरा बंद भी थी, तुझे उसकी याद सताती है। जब कांटे नाक काने कमला के, तू उसकी आग बताती है। वो शू नहीं, वो कायर है जो अपना पर हाथ उठाता है। ये राम नहीं, रावण है। माया से तुझे ले जाता है। क्रोध बंद तब रावण ही में सिरथ बैठा, चला गगन पद आतुर भैरथ हाथ लगाए। चला रंग हाथ भैरथ हाथ लगाए। रूप सती नारी का मन को मेरे दहलाता है। नमस्कार कर माता, दशकंधर शीश झुकाता है। कोई चिंता की बात नहीं। चलिया 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 आगे लीला में प्रवेश कर रहे हैं। बस रे मोरे नैनन में रखी, बस रे मोरे नैनन में रखी। बसोरे मोरे नैनन में रघुबी, बसोरे मोरे नैनन में रघुबी। बनिए अवधपुरी है, तन है सरयू तीरा, तन है सरयू तीर। बसोरे मोरे नैनन में रघुबी, बसोरे मोरे नैनन में रघुबी। Thank you.
मगन मुख बचन नावा प्रेम मगन मुख बचन नावा पुनि पुनि पद सरोज सिरनावा पुनि पुनि पद सरोज सिरनावा सागर जल रहे चरण पखारे सागर जल रहे चरण पखारे तुम्हें सुंदर आसन बैठारे तुम्हें सुंदर आसन बैठारे
हे शबरी, हम अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। हम दोनों माता पिता की आज्ञा मानकर 14 वर्षों के लिए वनों में आए हैं। हमारे साथ मेरी स्त्री सीता भी थी, जिसका किसी राक्षस ने हरण कर लिया है। बस उसी को ढूंढते ढूंढते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हे शबरी, यदि तुम कुछ जानती हो तो बताओ शबरी। प्रभु, यहाँ से कुछ दूरी पर किष्किंधा नाम का पर्वत है और वहाँ पर वानरों के राजा सुग्रीव जी रहते हैं। वह आपकी जानकी जी को ढूंढने में अवश्य सहायता करेंगे प्रभु। ठीक है शबरी, अब हमें जाने की आज्ञा दो। आगे चले बहुनी रघुराया, ऋषि मुनि पर्वत सीवा। मंगल भवन मंगल हारी रघु सुदशेख बिहारी। हरि कथानंता, हरि अनंत हरि कथानंता, कहि सुनहि बहु विधि साधु संता, कहि सुनहि बहु विधि साधु संता। आगे चले पर्वत की ओर चले। आइए लीला में प्रवेश करते हैं। पर्वत की ओर शबरी के बताए मार्ग पर आगे बढ़े और वहां वानरों के राजा सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई। और यह मित्रता का कार्य पवनसुत हनुमान ने करवाया। पवनसुत हनुमान ने प्रभु श्री राम और महाराज सुग्रीव की मित्रता कराई और उसके बाद जो हुआ आई उसका अवलोकन करते हैं। आगे चले बहुर रघुराया, मुख पर्वत निहराया,
राजीव सहित सुग्रीवा आवत देखी अतुल बल सीवा आवत देखे अतुल बल सीवा अतुलित बल धामा हेम शैलाभे हम तनुज वन कृशानन ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानाधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम बलिय पवन सुत हनुमान की हे हनुमान जी आप ब्राह्मण का रूप धारण करके जाइए और देखिए वह दोनों सुंदर पुरुष रूप के निधान कौन है। अगर वह बाली के दूत हुए तो मुझे दूर से ही संकेत कर देना, मैं यह स्थान छोड़कर यहाँ से भाग जाऊंगा। जो आज्ञा महाराज। विप्र रूप धरि कपि कहि गयउ रूप धरि कपि कहि गयउ मोती है, वह कई कानों के कुंडल है, यह वही पैरों की पायल है। लक्ष्मण तन के दिन आओ लक्ष्मण, क्या तुम इसे पहचानते हो लक्ष्मण? भैया मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैं तो सेवक बिछुओं का हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। और भाई शगुन ये अच्छा है, खटखट है तीर कमानों में, शीघ्र ही वो दिन आएगा कुंडल होंगे उन कानों में। महाराज सुग्रीव ने प्रभु श्री राम को धाड़स बताते हुए कहा कि हे प्रभु आप चिंता ना करें,
मिथिलेश कुमारी जानकी आपको शीघ्र अति शीघ्र मिल जाएगी। और इस प्रकार महाराज सुग्रीव ने बानरों को आदेश दिया कि वह माता जानकी की खोज के लिए दक्षिण दिशा की ओर जाएं, जहां वो रावण माता जानकी का हरण करके ले गए। हे हनुमान जी, जामन जी, अंगद जी, आप सभी दक्षिण दिशा में जाइए और माता सीता जी की खोज करिए, जहां वह राक्षस माता जानकी जी को उठाए लिए जा रहा था। जो आगे महाराज। और सियापति रामचंद्र की रतनलाल की जय। और माता जानकी की खोज करते हुए रामादल समुद्र के निकट पहुंचा और वहां सभी समुद्र को पार करने में असमर्थ थे। तब सभी ने पवनसुत हनुमान से आग्रह किया कि हे पवनसुत।